हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी अपना अभी से ही ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी के लिए दूध बिठाई हूँ। ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी कॉफ़ी का क्रेविंग हो रही तो कॉफ़ी के लिए दूध बिठाई हूँ। अभी दूध भी गर्म हो चुकी है और आज है नवरात्र का अष्टमी। आज और एक मतलब रिचुअल होती है लिंगराज मंदिर में, रथ निकलेगी आज, लिंगराज जी का रथ निकलेगी। और आज है अशोकाष्टमी, तो अशोकाष्टमी के दिन लिंगराज जी का रथ निकलती है। और आज मंदिर में भी प्रोग्राम है, मंदिर जाऊंगी। अगर हो सकेगा तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूंगी, आप सभी को शेयर करूंगी। और लिंगराज जी का रथ अगर आज हो सका तो जाऊंगी, वरना कल जाऊंगी। कल रामनवमी है, कल के दिन भगवान जी को मौसीमा मंदिर लेके जाएंगे। आज शायद 3 या 4 बजे शुरू हो जाएगी रथ यात्रा लिंगराज जी का। रुकणा रथ कहते हैं लिंगराज जी का रथ को। तो चलिए अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। आगे आगे मैं क्या करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और अभी से ही आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कमेंट करने के लिए टाइम ना हो तो एक हार्ट ही डाल दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। आगे आगे मैं क्या करती हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी कॉफ़ी बना लेते हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती हूँ। भूरा शुगर डाली हूँ, नॉर्मल शुगर थोड़ा कम ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर भी डाल दी हूँ। देखिए कॉफी को कुछ इस तरह मिलाती हूँ, एक हाथ में पकड़ी हूँ फोन, इसीलिए एक ही हाथ में काम कर रही हूँ। चलिए जल्दी जल्दी कॉफी गर्मा गर्म टेस्टी कॉफी पी लेती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। कॉफी मैं ग्लास में ही पीती हूँ, मुझे ग्लास में ही अच्छा लगता है कॉफी। और आज बच्चे घर पर हैं, अभी साई का आज ऑफिस छुट्टी है और चीनू का जो है एग्ज़ाम है वो 3 बजे जाएगा, तो आराम से कॉफ़ी पीती हूँ फिर लंच की तैयारी करूँगी। सुबह का सारा काम ख़त्म करके अभी मैं आ चुकी हूँ दोपहर के लंच बनाने के लिए। यहाँ पे दाल और चावल को मैं बिठाई हूँ, और ये है कलमी साग। आज कलमी साग बनेगी, उसके साथ बनेगी मशरूम करी। तो जल्दी जल्दी मतलब सारा काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बर्तन वगैरह है, इसे भी मांजूंगी। और देखिए दाल में जो झाग निकलती है उस झाग को मैं कुछ इस तरह निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसमें हल्दी नमक जो भी डालना है डाल के फिर कुकर का जो कैप है उसे लगाती हूँ, ढक्कन लगाती हूँ। तो चलिए इस तरह करने से अच्छा रहता है शरीर के लिए, जो झाग होती है दाल की वो बहुत ही ख़राब होती है हमारे शरीर के लिए। तो वहाँ पे दाल और चावल को बिठा के फिर मैं आ चुकी हूँ, बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी मांज लूँगी। ये बर्तन वगैरह ऐसा रहेंगे तो बिल्कुल भी किचन में काम करने को दिल नहीं करता है। किचन साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी बातों में सारा बर्तन वगैरह भी मैं मांज ली हूँ। अभी साग वगैरह सारा साफ़ करूँगी। प्याज को मैं हमेशा पानी में कुछ इस तरह रख लेती हूँ, इस तरह रखने से प्याज का जो छिलका है ईजीली निकल जाती है। जब भी मुझे याद आती है तो मैं इस तरह रख लेती हूँ, आज भी रख ली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही प्याज मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेसिपी के लिए, उसी लिए जल्दी जल्दी निकल जाएगी।
तो चलिए ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, फिर रेसिपी बनाऊँगे। आज एक्चुअली बहुत ही हड़बड़ाहट में मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि चीनू का एग्ज़ाम है, वो कॉलेज जाएगा, तो इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। अब तक मैं धीमे धीमे कर रही थी, वो मुझे इस समय बोला कि मम्मी मुझे खाना दे दो, तो मैं जल्दी जल्दी फिर करना शुरू की हूँ। और यहाँ पे मशरूम को कुछ इस तरह बास्केट में डाल के मैं धोती हूँ, जो वेजिटेबल बास्केट होती है, इस तरह धोने से जल्दी से उसमें लगे हुए जो मिट्टी वगैरह जो भी कुछ लगे हुए होते हैं वो सारा निकल जाता है। कुछ इस तरह पहले धोती हूँ, फिर एक एक करके धो के मैं निकालूँगी। इस तरह बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो जाती है, इसमें नमक मैदा वगैरह कुछ लगाना ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी मैं मशरूम मसाले के लिए टमाटर और काजू को भून लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के। इस तरह बनाने से भी बहुत ही अच्छा बनता है मशरूम मसाला। और प्याज को दरदरा यहाँ पे मैं पीस रही हूँ, और जल्दी जल्दी ज़रूरत है मुझे सारा काम करना, उसीलिए साई को मैं यहाँ पे बोली हूँ थोड़ा सा मशरूम काटने के लिए। साई भी आज मुझे हेल्प कर रहा है, आज एक्चुअली साई का छुट्टी है ऑफिस। तो यहाँ पे देखे टमाटर भी अच्छी तरह मतलब गल गई है, यहाँ पे अच्छी तरह मतलब पक गई है टमाटर यहाँ पे। और एक कढ़ाई बिठाई हूँ, उसमें मशरूम करी बनाऊँगी। तो अभी तेल डाली हूँ, तेल गर्म होते ही इसमें तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, फिर जीरा का तड़का डालती हूँ। जब ये तड़का अच्छी तरह भुन जाए उसके बाद इसमें दरदरा पिसा हुआ प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को बहुत ही बारीक काटने से भी चलेगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी थी उसीलिए मैं प्याज को दरदरा पीस ली थी। प्याज थोड़ी देर भुनने के बाद अदरक लहसुन को कूट के रखी थी उसे डालती हूँ, फिर उसके साथ ही नमक हल्दी डालती हूँ और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह भूनूंगी। थोड़ी देर भुनने से मतलब जो लहसुन की कच्चापन वो चली जाएगी, उसके बाद इसमें पिसे हुए मतलब उबले भुना हुआ टमाटर, उबला हुआ बोलूँ भुना हुआ टमाटर और काजू का पेस्ट को यहाँ पे डाल रही हूँ। ये सारा चीज़ को अच्छी तरह थोड़ी देर भून के फिर इसमें सूखे मसाले जो रेगुलर के होते हैं वो डालूँगी, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर। जल्दी जल्दी में देखे कितना सारा गिर गया, तो इसे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तीखा कोई भी नहीं खाता है, बहुत ही कम तीखा खाया जाता हमारे घर में। और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पे भून लूंगी थोड़ी देर, उसके बाद मशरूम डालूंगी इसमें। आज मुझे भी बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है उसी लिए। और यहाँ पे देखिए बीच में थोड़ा सा पानी डाली हूँ, इसमें मिल्क पाउडर डाल दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास क्रीम ख़त्म हो गई थी, जो घर के मलाई है वो सब वो डालने के लिए भी मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इसीलिए मैं इस तरह मिल्क पाउडर से वो जो क्रीम का जो कमी को दूर कर रही हूँ। इसमें बहुत ही टेस्टी बनती है, अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इस तरह मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्जी। फिर कटे हुए मशरूम को इसमें डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला लूंगी। इस तरह बनाने से मशरूम बहुत ही जल्दी बनती है और टेस्टी भी, बहुत ही टेस्टी बनी थी मशरूम। और इसे मैं ढक के पका लूंगी थोड़ी देर, मतलब 5 से 7 मिनट ढक के पका लूंगी। और यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी निकल गया मशरूम से, 5 से 7 मिनट में ही मशरूम अच्छी तरह उबल मतलब पक भी गई है। और यहाँ पे मुझे मतलब ये गरम मसाला भी ख़त्म हो गया था घर में, तो निकाल के डब्बे में डालने के लिए भी टाइम नहीं था, तो मैगी मसाला डाल दी हूँ और जल्दी जल्दी चीनी को यहाँ पे निकाल के दे दी हूँ, उसके लिए खाना परोस ली हूँ उसे। और यहाँ पे कढ़ाई में डाली हूँ तेल, तेल गरम होते ही सरसों, उड़द दाल, सूखी लाल मिर्च का तड़का डाली हूँ, फिर बारीक कटा हुआ प्याज को डाली हूँ और 2 हरी मिर्च को बीच में चीरा लगा के डाल दी हूँ। कलमी साग बनाऊंगी, कलमी साग बनाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही प्याज डालती हूँ, इस तरह बनाने से साग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है कलमी साग।
आप में से कौन कौन इस साग को खाए हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और किस किस को अच्छी लगती है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ। देखिए कितना जल्दी साग पूरा, इतना सारा साग कितना कम हो गया। और यहाँ पे दाल को तड़का भी नहीं डाली थी, चीनू को मैं घी डाल के दे दी थी दाल को। यहाँ पे दाल में तड़का भी डाली हूँ, सिंपल तड़का डाली हूँ। और देखिए साग बन चुकी है, अभी मैं प्लेटिंग करूँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी प्लेटिंग करती हूँ। आज लंच में बनी है चावल, उसके साथ कलमी साग, बहुत ही टेस्टी लंच थाली बनी थी आज। और ये है आलू और बैंगन की भुजिया, कल की थी तो उसे मैं गरम कर ली हूँ। और ये मशरूम करी, देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, उतना ही टेस्टी बनी थी। उसके साथ सलाद में आज खीरा है और दाल बनी है। और ये जगह थोड़ा सा खाली लग रही थी, उसीलिए मैं यहाँ पे मिर्ची का अचार डाली हूँ। देखिए ये है आज की हमारी लंच थाली, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा खाना भी शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है तो जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके मैं जाऊँगी। चलिए अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए, तो चलिए मंदिर चलते हैं। एक्चुअली 4 बजे ही प्रोग्राम शुरू हो गई है, अभी 5 बजे हैं शाम के। और आज संबलपुरी साड़ी का थीम था तो मैं संबलपुरी साड़ी पहन ही हूँ। चलिए अभी मंदिर चलते हैं। निकल चुके हैं मंदिर के लिए और साई लेके जा रहा है मुझे छोड़ने के लिए, और वहाँ पे थोड़ा सा घूम के आएगा, बहाना कर रहा है। मैं बोली कि ओला बुक कर दो मैं चली जाऊंगी, लेकिन बोला कि छोड़ दूंगा करके। चलिए अभी मंदिर में प्रोग्राम भी शुरू हो गई होगी, अभी मैं मंदिर जा रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है। तो मंदिर का जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी को मैं शेयर करूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय जगन्नाथ, जय माता दी, साई राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।